नीतीश कुमार से मुलाकात होती है? नहीं, मेरी मुलाकात पिछली हुई थी दिल्ली में, आप लोगों ने मतलब मीडिया ने उसको कवर भी किया, नीतीश कुमार ने उसको बयान देकर बताया भी कि मेरे से उनके बहुत पुराने गहरे ताल्लुकात हैं इसलिए मिले। बेसिक बात यह है कि मैंने जैसा पहले बताया था कि उनको कोविड हो गया था, उसके बाद मैंने फ़ोन पे एक दो बार मेरी बात हुई उस दौरान, तो उसके बाद वो पहली बार दिल्ली आ रहे थे तो मैं उनका कुशलक्षेम पूछने गया था। उसके बाद मैं जब पटना में आया हूँ उसके बाद मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। एक मुलाकात होनी थी लेकिन मैं समय नहीं, मेरे उस समय मैं कहीं व्यस्त हो गया इसलिए नहीं जा पाया। ये भी कहा जाता है कि प्रशांत किशोर जानबूझ के ये खबरें लीक करते हैं कि मेरी नीतीश कुमार से मुलाकात होने वाली है, वो वेट कर रहे हैं या मैं जा रहा हूँ टू गेट पॉलिटिकल एडवांटेज और जेडीयू के काडर को ये मैसेज देने के लिए कि आऊँगा तो मैं ही, तैयार रहो। नहीं नहीं, अरे ये बात मैं मुझे लीक करने की क्या ज़रूरत है, ये सीएम ऑफिशियल रेजिडेंस पे, मैं जिस दिन यहाँ आया हूँ 1 मई को ऑफिशियल रेजिडेंस पे 4 बजे मेरी उनसे मीटिंग थी, ये लीक करने की बात नहीं, वहाँ तो 500 मीडिया के लोग खड़े थे। मैं वहाँ गया नहीं या जा नहीं पाया। क्यों नहीं गए? मैं कहीं कहीं फंस गया, मेरे नहीं पहुँच पाया वहाँ पे, तो मैंने फ़ोन करके बताया अभी कि भाई मैं 2-4 बजे तक नहीं पहुँच पाऊँगा। इतनी सी बात है, इसमें लीक करने की क्या बात है? तो पटना के सारे पत्रकार वहाँ आपको बताएंगे, इसमें लीक क्या करना है? एक और नीतीश कुमार पे सीधा सवाल, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में अंदर खाने कई लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने के लिए लगभग राजी हो गए थे, कितना सत्य है? अब ये तो नीतीश कुमार ही बता पाएंगे, वो पार्टी को मर्ज करना चाहते थे नहीं चाहते, ये इसका जवाब नीतीश कुमार ही दे सकते। आपने इनकार नहीं किया इससे? भाई पार्टी नीतीश कुमार की है। तब आप पार्टी में थे? नहीं, मैं पार्टी में हूँ लेकिन था, लेकिन उस समय पार्टी में जैसे उन्होंने सीए पे निर्णय लिया खुद से कि मुझे वोट करना है, मेरे से तो पूछा नहीं। तो अगर वो कांग्रेस में विलय कर रहे थे कि बीजेपी में विलय कर रहे थे, ये तो जवाब वही दे पाएंगे। राजनीतिक ऑब्जर्वर इस जवाब के मायने ये निकालेंगे कि प्रशांत किशोर ने इनकार नहीं किया। अब ये जबरदस्ती मैं कह रहा हूँ कि वो भाई बीजेपी में विलय कर दें, कांग्रेस में विलय कर दें, स्टैंड अलोन रह दें, ये नीतीश कुमार का निर्णय रहा होगा। अगर कभी उन्होंने सोचा होगा तो उन्होंने मेरे से ये कभी डिस्कस नहीं किया। और खोल देता हूँ थोड़ा, शायद आप रोशनी डाल सकें। कहा गया कि नीतीश तो दिल्ली में डेरा डाले रहे, प्रशांत किशोर की भी काफ़ी भूमिका थी चीज़ों को तय करवाने में, लेकिन ऐन वक्त पे राहुल गांधी देश से बाहर चले गए, नॉट रीचेबल वाली टोन बचती रही 48 घंटे तक। नहीं नहीं, अब ये इन बातों की मुझे खबर नहीं है। जब नीतीश कुमार वहाँ दिल्ली गए थे उस समय उनकी ये 17-17 सीटों का जो बराबर बराबर सीटों के लड़ने के डिस्कशन को लेकर गए थे, और उसके बाद उनकी कांग्रेस से या किसी पैरेलल किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति से या पार्टी से बात हो रही थी, इसकी मुझे जानकारी नहीं। ये वही बता सकते हैं कि उनकी कोई बातचीत अगर हो रही थी तो।